आम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने पीर को जोजला टनल का मुआयना किया। लद्दाख के लिए तमाम मौसमी राबते कायम करने के लिए एशिया की सबसे लंबी सुरंग जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पार्लियामानी मशावरती कमेटी के अराकीन के साथ और हाईवेज 13.14 किलोमीटर लंबी जोजला टनल और उपप्रोजेक्ट रोड की तामीर 6,800 करोड़ रुपया की लागत से हो रही है। ये 7.57 मीटर ऊंची हॉर्स शो की शक्ल वाली सिंगल ट्यूब दो लेन वाली सुरंग है जो हिमालय में जोजला पास के नीचे से कश्मीर के गांधरबल और लद्दाख के करगिल जिले के द्रास शहर के दरमियान से गुजरेगी। इस मनसूबे में एक स्मार्ट टनल सिस्टम शामिल है जिसे अस्ट्रेन टनलिंग के नए तरीके से तामीर किया गया है। ये सीसीटीवी, रेडियो कंट्रोल, बिला तातील बिजली की फराहमी और वेंटिलेशन जैसी सहूलियात से लैस है। इस प्रोजेक्ट में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हुकूमत हिंद को 5,000 करोड़ रुपया से ज्यादा की बचत हुई है। सहारा कश्मीर के लिए मोहम्मद रफी की एक खसूसी रिपोर्ट। युवाओं को भी हमने इन्वॉल्व किया है और उनको रोजगार देने की कोशिश की है। कुछ टेक्निकल भाग है, फिर भी काफ़ी लोगों को यहाँ काम मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि अक्टूबर में इसका इनॉग्रेशन होगा और उसके पहले जो गवर्नर साहब ने कहा था वो भी हम पूरा करेंगे। अभी हमारी पार्लियामेंट की समिति और हम सब लोग टनल देखने के लिए अंदर जाने वाले हैं। थोड़ा सा क्लाइमेट में थोड़ा हवा जून छुटने की संभावना है, ऐसा हेलीकॉप्टर पायलट का संदेश है, तो थोड़ा जल्दी करके इसको देखने के बाद आपका भोजन है और फिर उसके बाद हम तुरंत श्रीनगर के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का उनका स्वागत करता हूं जम्मू कश्मीर में और संसदीय समिति के जो माननीय सदस्य हैं उनका भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। अभी जैसा गडकरी जी ने बताया अक्टूबर 2023 में ये प्रयोग के लिए हम सबको उपलब्ध होगा। एक बात रास्ते में हम लोग कर रहे थे कि अगर यहाँ सरकारी जमीन होगी तो NHIDCL और NHAI मिलकर के एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म के लिए कोई काम करेंगे, तो अभी मैंने DC से बात किया है, यहाँ हमारे पास जमीन उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि ये काम भी हो जाएगा तो स्थानीय लोगों को एक शिकायत स्थानीय लोगों की बार बार रहती है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार कम मिल रहा है, जिसको आपने अभी एड्रेस किया है। दूसरी बात मुझे लगता है CSR का उपयोग ये लोग एकदम नहीं करते हैं इस इलाके के लिए। अब 4,500-5,000 करोड़ का काम करते हैं और एक अधेले का काम यहाँ के लोगों के लिए नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप स्वतः ही बहुत ही मैं आज बात खुशी की है, हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इच्छा जताई थी कि जब मैंने पार्लियामेंट में जवाब में जोजिला टनल की बात बताई थी तो उन्होंने कहा हमें ले चलो, तो आज उन्हीं के अनुरोध पर हमने पार्लियामेंट्री हमारे कमेटी का डेलीगेशन लाया। हमारे सभी सम्माननीय पार्लियामेंट के 13 मेंबर्स आज हमारे साथ इसको देखने के लिए आए हैं। आज हमारी 5 बजे मीटिंग है, हम हमारे किए हुए काम का प्रेजेंटेशन उनके सामने करेंगे। बिरला जी को अचानक फॉरेन टूर पर जाना पड़ा इसलिए वो नहीं आ पाए, पर मैं मेरे विभाग की ओर से हमारे पार्लियामेंट के सभी सम्मान्य सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इतनी कठिनाई में हमारे देश के कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी कितने कठिनाई में काम कर रहे हैं ये उनको भी देखने के लिए मिला। हमारे मिलिट्री के जवान कितने डिफ़िकल्टी में हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और किस परिस्थिति में करते हैं इसका अनुभव हम कर रहे हैं। हम एक दिन आए तो हमें ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्वस्थ हो रहे हैं, तो बेचारे यहाँ पूरी ज़िंदगी में इतने दिनों तक काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे मन में बहुत गौरव है। हमारे डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, जम्मू कश्मीर का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जनता, हमारी बहन जी यहाँ की अध्यक्ष है जिला पंचायत की, इन सब का हमको सहयोग मिला और इसी सहयोग के कारण हम यहाँ काम कर पा रहे हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और राज्यपाल जी ने जो जो सूचना दी है
उसका भी हम पालन करेंगे। सर जब ब्रेक थ्रू हो जाएगा टनल का, जब ब्रेक थ्रू हो जाएगा कहा जा रहा है कि जो रफ टनल पे भी आर्मी को एलो किया जाएगा जब जरूरत पड़ेगी इस टनल के जरिए, ना कि डेडलाइन का वेट किया जाएगा। सर ये इमरजेंसी में क्या करना उस समय होगा? सर इज इट ट्रू दैट यू विल अलाउ देम? सर देश के हित में और इमरजेंसी जब आती है तो हर समय पॉजिटिविटी के साथ वे आउट निकाला जाता है। अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है, आने की संभावना भी कम है, आएगी तो जरूर इसमें हम लोग हमारे डिफेंस फोर्सेज जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। देखिए और भी बॉर्डर एरिया जैसे हैं, चाहे कुपवाड़ा में हो, गुरेज में हो, जहाँ पे टनल की मांग हो रही है क्या? सर हम लोग जम्मू कश्मीर में अभी मुझे याद नहीं पर 1,75,000 करोड़ से ज़्यादा हमने काम मंजूर किए हैं, और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हम 2,50,000 करोड़ की टनल बना रहे देश में, और हमने अभी इस टनल के लिए एक स्पेशल डिवीजन बनाने का तय किया है। हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स एंड हाउ वी कैन मेक गुड क्वालिटी ऑफ टनल। यहाँ आपको मालूम है पुणे में एक MIT करके संस्था है, उन्होंने टनल इंजीनियरिंग का विभाग खोला है और उसमें रिसर्च होकर वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, हम उनको मदद करते हैं। अभी उनका एक बहुत बड़ा सेमिनार है, मिस्टर धर्माधिकारी करके SCC के MD थे, वो मेरे एडवाइज़र थे इस सब टनल में, और वो रिटायर्ड हो गए, काफ़ी एज बढ़ा है उनका, तो काफ़ी हमने पुराने अनुभव का और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस का उपयोग करके हमने ये कॉस्ट भी रिड्यूस किए विदाउट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, जब जब नए सुझाव आएंगे वैसा हम काम करेंगे। करना में बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, LG साहब को ज़्यादा मालूम होगा इस बारे में, तो क्या उनकी डिमांड जो है पूरी की जाएगी? क्योंकि वो बहुत मुश्किल डिमांड तो बहुत होती है, हम बड़े पॉजिटिव है, पर आज एकदम किसी काम के बारे में घोषणा करना उचित नहीं होगा। मेरा LG साहब के साथ LG साहब के पास डिस्कशन है, उसमें उनके सुझाव पर, जनता की डिमांड पर हम सोचेंगे, पर मेरा एक आग्रह रहता है जो बोलेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वो किसी भी हालत में जो कहेंगे वो करेंगे। कमला LG साहब भी आभार ही है क्योंकि करना के लोग ज्यादा। सर वी विल थिंक कल का भी इंतजार करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू मिनिस्टर ऑनरेबल नितिन गडकरी जी एंड LG साहब, कि अर्लियर इट वॉज ए ड्रीम, ए कनेक्टिविटी फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर एंड फ्रॉम लेह लद्दाख टू श्रीनगर, बट टूडे ऑल द मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट वी एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो दे आर एश्योर्ड कि द ड्रीम टर्न इन टू द रियलिटी, कि जो सपना था कि कन्याकुमारी से कश्मीर जुड़ेगा और श्रीनगर लेह लद्दाख से जुड़ेगा जो जिला पास के लिए, इसके लिए मैं पार्लियामेंट कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ अपने भारत सरकार को, LG साहब को, जम्मू कश्मीर सरकार को, और देश की जनता को भी आश्वस्त करता हूँ कि हो जाएगा। थैंक यू सर। बार मेरे रहते हुए माननीय गडकरी जी इस टनल को देखने आए हैं, जैसा मंत्री जी ने बताया कि 38% काम पूरा हो गया है और सोनमर्ग अगले साल पूरी तरह खुल जाएगा उसका काम। इंजीनियर जो यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में हम पूरा कर लेंगे। एक अनुरोध मंत्री जी से मैंने किया है कि उसे अक्टूबर तक पूरा करने से हमें सुविधा हो। एक दूसरी बात मैंने मंत्री जी से कही है कि जो स्थानीय युवा हमारे हैं, लोकल यूथ है, उसको अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट इन प्रोजेक्ट में मिले, और सौर से इन्होंने स्वीकार किया है और उसका पूरी तरह से पालन यहाँ किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा की रोड और टनल की कनेक्टिविटी भारत सरकार जम्मू कश्मीर में चला रही है, तो अब 2-3 साल पहले क्या था और आज क्या है ये सब आप लोग देख रहे हैं। एक बार कनेक्टिविटी यहाँ की बेहतर हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से इकॉनमी भी बूस्ट करेगी। थैंक यू सर। एक बात केवल, आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू हियर, दिस इज अ हिस्टोरिकल एंड इम्पोर्टेंट टनल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द टनल लेंथ इज सपोज टू बी हाईएस्ट इन एशिया नाउ। एक्चुअली द टेंडर फॉर दिस टनल वॉज 4 times इट वॉज टेंडर एंड 5th time इट वॉज डिसाइडेड टू मेक दिस टनल इन EPC रूट। द एस्टिमेटेड कॉस्ट वॉज 12,000 करोड़, बट नाउ वी आर इन ए पोजिशन वी अवर ऑफिसर्स NHIDCL एंड विद द कॉपरेशन ऑफ असोशियन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली, फॉर ए 1 year वी हैव कंटिन्यूसली मेकिंग रिसर्च एंड स्टडी ऑफ दिस प्रोजेक्ट विद द इंटरनेशनल कंसल्टेंट एंड द एक्सपर्ट पीपल, एंड आफ्टर 1 year practices
विद द हेल्प ऑफ आवर ऑफिसर्स आवर कंसल्टेंट्स इंजीनियर्स एंड इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स वी हैव टेकन अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी बाय विच द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज रिड्यूस्ड बाय 5,000 crore. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री दैट वी हैव ए सेविंग ऑफ 5,000 crore एज फार एज द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज कंसर्न. This is a very difficult task. The people are working here in minus 26 degree, you imagine. And that is the reason today in the film also you have seen that. The what type of problems and difficulties they are facing. Already two deaths on the site already there. So today it is really a great pleasure for me to interact with you. This is to be a state of art project and with the cooperation of Honorable LG Saab. And the state government of Kashmir, it is to be very helpful for us. And this is the one of the important thing which is our dream. Kashmir se Kanyakumari. We've just taken it that we start from Manali. In Manali there is Rohtang Pass. From Manali to Rohtang Pass it takes 3.5 hours. But now there is Atal Tunnel by which you can reach with only 8 minutes. After that, coming by road to Ladakh layer, that is a beautiful Himalayan valley where we are going to construct the road and 4 tunnels. And then we will come to Ladakh and Leh. Then Ladakh and Leh we will hear. Then coming by this road and coming to Dhojila tunnel and Jhedmo tunnel going to Srinagar. Then Srinagar, we have 7 to 8 tunnels between Srinagar and Jammu. And already only 2-3 are the balance tunnel which we are going to complete as early as possible. And up near Katra, there is Katra Delhi Express Highway, and this by this highway, Delhi to Amritsar will be 4 hours, Katra will be 6 hours, and Srinagar will be 8 hours. By that highway, we will go to Delhi, and that highway will connect to Delhi Mumbai Express Highway. From that highway, we will go on Delhi Mumbai Express Highway, coming to Surat. The road straightly go to Mumbai, and Mumbai to Pune, and Pune to Solapur and Kolhapur. Two available routes are available going to south. But now we are making new roads starting from Surat. It connect to going to Nasik, Nasik to Ahmednagar, Ahmednagar to Solapur, and Solapur to Kurnool. Already works have started, and after Kurnool it will be connected to Chennai, Kanyakumari, Hyderabad, Bangalore, Kochi, Trivandrum. So this will be a connectivity between north to south, Kashmir to Kanyakumari. It will be an access control road, and the distance between Delhi to Chennai will be reduced by 320 km. And by this road, it is a true sense, it will be the connectivity of this country between Kashmir to Kanyakumari. So this is to be a state of art project, and I am really giving thanks to our engineers, contractors. Even it is very difficult to work here. Every time the regular 4 month temperature is -8 degree. And 4 months also they have to, in the winter season, minus 26 degree. So in a very, very crucial period, they are working here. And now the 38% of the work is completed. We are trying that with the permission of the Prime Minister and the state government and the LG. Part of the project we want to try to inaugurate, because that will give relief to the people. So this is going to develop the tourism in this area. Now presently, the tourism in the Kashmir, it will be increased by 2 or 3 times more. And tourism is a sector where it creates maximum employment potential. The 49% of the capital investment in tourism, the expenditure on employment potential. I already requested LG Saab and Jammu Kashmir government that they should plan here the resorts, adventure sports. Then just like Switzerland, we can develop lot of things here. This Baltal here from the Baba Amarnath road is here. People are coming here. So we can increase the tourism 3 to 4 times more, by which creating more employment potential to the people of Jammu and Kashmir, and which will eradicate the poverty in this area, Ladakh, Leh and Jammu and Kashmir. So this is to be a great socio-economic transformation. And I feel that this can be a great thing in the history of the India. Atal Bihari Vajpayee at the time of Kargil war, he visualized that we should have the good road between Ladakh and Srinagar.
एंड दिस इज अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वी हैव स्टार्टेड दिस नाउ आई एम रियली हैप्पी दैट थर्ड टाइम माई विजिट इज हियर एंड नाउ वी आर इन द पोजिशन दैट वी विल गेट दिस टनल एज अर्ली एज पॉसिबल. Sir, talking about this tunnel, how much of a help will it be for the Indian armed forces deployed on the Indo-China border? Sir, actually, defense point of view, I don't make any comments. I'm only talking strategic point of view, this is very important. Because you know that the previously war was here, Kargil. So this is to be area where we are going to develop. The people will hear, there will be no migration. And here you will be create, the most important thing is, this will be the world attraction, just like Switzerland. And people from abroad and people from India, they will come here for the tourism and which is going to increase the employment potential for this area. That is to be a great thing. Sir, what is the status of emergency? Working on 29 road come airstrip projects, out of which 9 have completed. Somewhere we need permission from the airport. It is in the process. In the emergency time, we can use it. Thank you. Thank you. सर थोड़ा सा बताइए इस टनल के बारे में, अभी क्या स्टेटस है, प्रेजेंट काम कब होता है? ये जोजिला टनल जो हमारे पीछे दिख रही है, जोजिला टनल है, इसकी टोटल लंबाई 13.2 किलोमीटर है. इसमें हम दोनों तरफ से काम कर रहे हैं. जहां हम खड़े हैं ये बालटाल है, इधर को बेस्ट पोर्टल बोला जाता है, जो दूसरी तरफ मीना मार्ग है वो ईस्ट पोर्टल बोला जाता है. दोनों तरफ से हम हेडिंग लगभग 3-3 किलोमीटर दोनों तरफ से एक्सकवेशन कर चुके हैं और बेंचिंग में लगभग दोनों तरफ से 1-1 किलोमीटर एक्सकवेशन हो रही है. इस टनल को हम न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो आज गडकरी साहब यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो बताइए क्यों आ रहे हैं? गडकरी साहब यहाँ के काम का मुआयना देखने के लिए आ रहे. तो इम्पोर्टेंस क्या है टनल की? टनल की इम्पोर्टेंस तो अपने लद्दाख रीजन, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है. जो लद्दाख रीजन के लोग है परमानेंट 12 महीने कश्मीर से क्या पूरे हिंदुस्तान से जुड़ जाएंगे और मिलिट्री के लिए भी बहुत इसका अहम है. अपना नाम बताइए सर. मेरा नाम संजय शर्मा, एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर काम करता हूँ.